हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू किंग इन किचन। आज मैं आपके लिए शेजवान चटनी बनाने जा रहा हूँ। ये आप पराठे के साथ या कोई भी स्नैक के साथ खा सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप लहसुन, इसे हमें बहुत ही बारीकी से चॉप कर लेना है। तो बारीक चॉप करने के लिए मैं यहाँ एक हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप कोई फूड प्रोसेसर का भी यूज़ कर सकते हैं, और वो भी नहीं है तो आप इसे हल्का सा मिक्सी में चला लीजिएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये पेस्ट ना बन जाए। तो हमें इस तरह से बहुत ही फाइनली चॉप कर लेना है। फिर हम इसे एक कप में निकाल लेंगे। तो देखिए, हमने 2 कप लिया था लहसुन, लेकिन जब हम इसे चॉप कर लेंगे तो ये सिर्फ 1 ही कप रह जाता है। फिर हमें चाहिए 100 ग्राम सूखी मिर्च। हम यहाँ बैगनी मिर्च का यूज़ कर रहे हैं, जो कि कर्नाटका में पाया जाता है। आप चाहिए तो कश्मीरी सूखी मिर्च भी ले सकते हैं। अगर दोनों नहीं है तो आप जो बाज़ार में नॉर्मल मिर्च मिलता है, लाल मिर्च, आप वो भी ले सकते हैं। उसे इस तरह आप बीच से काट के इसका सीड्स निकाल लीजिएगा, ताकि ये ज़्यादा स्पाइसी ना हो। बीज निकालने से इसका स्पाइसीनेस कम हो जाता है। तो मैं आपको एक सैम्पल दिखा दे रहा हूँ कि आपको किस तरह नॉर्मल मिर्च यूज़ कर सकते हैं। फिर हम 1 लीटर पानी बॉईल कर लेंगे। जब पानी खोलना शुरू हो जाए तो इसमें हम सूखी मिर्च डाल देंगे। एक स्पैटुला की मदद से मैं इसे हिलाते रहूँगा, क्योंकि मिर्च हमेशा पानी के ऊपर रहती है। हमें इसे प्रेस करके इसे नीचे लाना पड़ेगा। जब पानी खोलना शुरू हो जाए इसे हम 4 से 5 मिनट तक और पकाएंगे। चार से पाँच मिनट तक पकने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे, जैसे एकदम बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि बाद में हमें इसे मिक्सी में पीसना भी है। तो अगर हम गर्म रखेंगे तो ये हो सकता है कि मिक्सी से बाहर आ जाए। तो हमें कभी भी गर्म चीज़ मिक्सी में नहीं पीसना चाहिए। तो एक बार ठंडा हो जाए तो फिर हम एक छलनी की मदद से हम इस मिर्च को पानी से अलग कर लेंगे। मैं पीसते वक्त पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिर्च ऑलरेडी बहुत सारा पानी सोख कर चुका है। इस तरह हम सारी मिर्च को पानी से अलग कर लेंगे और एक मिक्सर ग्राइंडर में इसे पीस लेंगे। तो पीसते वक्त दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हमें इसे बहुत ही महीन नहीं पीसना है, हमें इसे बहुत ही दरदरा रखना है। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो बीज है वो अभी तक कम्प्लीटली ग्राइंड नहीं हुए, तो इस तरह हमें दरदरापन चाहिए। फिर इसे बनाने के लिए हम एक पैन में 4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि वो कुकिंग के लिए अच्छा नहीं होता है। फिर हम उसमें ये कटे हुए लहसुन 5 मिनट तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। यहाँ मुझे तेल बहुत कम लग रहा है दोस्तों, इसलिए मैं और 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रहा हूँ। अगर ऑयल कम हो जाए तो फिर ये इसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी, हम इसे प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे बहुत दिनों तक। मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल और ऐड कर लिया है। मैं इसे अच्छी तरह सॉटे कर लूँगा। फिर हम इसमें डालेंगे 5 टेबलस्पून बारीकी से कटे हुए अदरक। अदरक को भी बहुत ही फाइनली चॉप कर लेना है। इसे भी हम 5 मिनट तक सॉटे कर लेंगे। एक बार अदरक और लहसुन अच्छी तरह फ्राई हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे चिली पेस्ट, जो हमने पहले पीस के रखा था। चिली पेस्ट इसमें हम ऐड करेंगे। और इसे भी अच्छी तरह हमें फ्राई कर लेना है। दोस्तों, शेजवान चटनी जो है वो शेजवान सॉस का इंडियन वर्जन है। ऑथेंटिक चाइनीज रेसिपी में शेजवान सॉस पाया जाता है, ना कि शेजवान चटनी।
चिली पेस्ट ऐड करने के बाद हमें इसे 5 मिनट तक कुक कर लेना है ताकि इसका जो कच्चापन है, जो रॉनेस है, वो निकल जाए। हमें इसे बीच बीच में हिलाते रहना पड़ेगा ताकि ये बर्तन से नीचे चिपक ना जाए। फिर हम इसमें बाकी की इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो हम यहाँ डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून नमक, 1 डाल के हम थोड़ा इसे हिला लेंगे ताकि नमक अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर हम डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर और 2 टेबलस्पून टमाटो सॉस। तो फ्रेंड्स, बहुत लोग टमाटो सॉस इसमें ऐड नहीं करते हैं, लेकिन मैंने दोनों ही ट्राई किया हुआ है। मैंने विदाउट टमाटो सॉस और विथ टमाटो सॉस भी मैंने बना के देखा है और मेरे को विथ टमाटो सॉस बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं टमाटो सॉस ऐड कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। फिर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून शुगर। हम शुगर इसलिए डालते हैं क्योंकि ये इसके तीखेपन और खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है। फिर हम इसमें पानी डालेंगे। तो जो हमने जिस जार में हमने सूखी लाल मिर्च का पेस्ट बनाया था, उसी जार में पानी डाल के बाकी का पेस्ट भी इसमें डाल देंगे। फिर खट्टापन के लिए हम डालेंगे 2 टेबलस्पून विनेगर। विनेगर डालने से क्या होता है कि इसको हम ज़्यादा प्रिजर्व कर सकते हैं और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। मैं थोड़ा टेस्ट करके देखता हूँ कि इसमें कुछ कमी तो नहीं है। मुझे सॉल्ट और शुगर की कमी लग रही है, तो इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून शुगर ऐड कर रहा हूँ। शुगर ऐड करने के बाद मैं इसे फिर से 2 से 3 मिनट कुक करूँगा, क्योंकि शुगर डालते ही ये थोड़ा और पानी हो जाएगा, तभी उस पानी को भी हमें बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे दोस्तों, तो ये इसे आप 3 से 4 महीने तक फ्रिज में आराम से रख सकते हैं बिना ख़राब हुए। तो फ्रेंड्स, हमारा शेजवान चटनी बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। इसे हम एक सर्विंग बाउल पे निकाल लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।